देखिए उफान मारती इस नदी को और नदी के ऊपर बने बांस बल्लियों के पुल को, जो अब मौत का पुल बन चुका है। वैसे तो हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है और मंगल पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्नाव के मिर्जापुर गांव के लोग मजबूर हैं जान हथेली पर रखकर पुल पार करने के लिए। अब देखिए और जानिए कैसे ये लकड़ी का पुल बन गया है मौत का पुल। परसों शाम को 5 बजे निकली थी घर से, बहू से बोल के आई कि तुम खाना बनाओ, हम खेत पर जा रहे हैं, खेत पर गई नहीं है, तो भाई जल्दी में यहाँ ये घर से चली। कुछ देर बाद जब शाम हुई कोई घर पहुंची नहीं। हम लोग घर पहुंचे तो उनकी जानकारी थी, वहाँ कोई सूचना नहीं मिली कि वापस पता नहीं चला। आपको पता चला पूरी रात लोग ढूंढते रहे, हम भी ढूंढते रहे। सुबह 6 बजे करीब लोगों ने देखा कोई लाश उतरा रही, देखो आपकी पत्नी तो नहीं। तो हम लोग आए देखा थी। अभी ताजा मामला निकल करके आया है विदोबज गांव का ही। 2 दिन पहले यहां पर एक महिला किशु देवी, जो किसान महिला है, गरीब परिवार से है, वो अपने खेत देखरेख करने के लिए नदी का पुल क्रॉस कर रही थी और बाढ़ के उफान के बीच में पुल में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि महिला को निकलना मुश्किल हो गया वहां से, और पाइप चलने से वो इस नदी में जाके डूब गई और उसके शव की पहचान तक नहीं हो, पता भी नहीं लग सका। और करीब 14-15 घंटे बाद उसका पता चल सका। उसके बाद गलम में देखा कि जिस घटना को लेकर इस घटना का अंजाम हुआ, लेकिन पूरे घटनाक्रम में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इस गांव या यहाँ पीड़ित परिवार घर दुखी परिवार के घर में आकर के सुल्तानगंज नहीं आया। यहाँ पर ग्रामीण है, अब उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पुल की महत्व उनके लिए उनकी जिंदगी में कितना है। और प्रस्ताव बनते रहे, सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे, अगर कुछ ना बना तो वो है ये पुल। और इस पुल के ना बनने की वजह से चली गई एक महिला की जान। आखिर कौन है जिम्मेदार इस महिला की जान का? खुद सुनिए गांव वालों को और जानिए आखिर कैसे नेता अपने खोखले वादों से जनता को ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं। प्रतिनिधि लोग जब आते हैं वोट लेने टाइम, तो हम पुल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी सांत्वना देकर चले जाते हैं। हर वर्ष 200 लोग इसमें नदी में डूब के या पुल के लकड़ी के पुल से गिर करके मर जाते हैं। अत्यधिक समस्याएं हैं यहाँ पे, अस्थायी पुल की अति आवश्यकता है। यदि पुल नहीं बना तो वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। उप मुख्यमंत्री के ट्वीट ने जनता को संतोष भी नहीं दिया, लेकिन खाना पूर्ति जरूर कर दी। लेकिन जनता की मांग है पीपे का पुल बनाकर खाना पूर्ति मत करिए। जनता की मांग है कि यहाँ पर एक अस्थाई पुल बनाकर उनकी समस्या का हमेशा के लिए निदान किया जाए। पीपे का पुल बनेगा, ड्रम का पुल, क्या इस पुल से आप लोगों का समस्याओं को समाधान नहीं? इस पुल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पुल बने न बने यही लोग मरते रहे, मरने दो। अस्थाई पुल जब तक नहीं बनेगा मैं पुल नहीं बनवाने दूँ। घटना के बाद कोई विधायक सांसद यहाँ पे आया? कोई यहाँ झांकने नहीं आया, चाहे ब्रजेश रावत हो चाहे साक्षी महाराज हो। जैसा कि देखा काफी आक्रोश लोगों में है, और सच्ची होना भी चाहिए कि लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण हो या ना हो, लेकिन हमें चाहिए तो अस्थायी पुल चाहिए। मुझे पीपे वाले पुल से मेरे रोजगार या मेरी समस्या समाधान नहीं होने वाला है। महिला की मौत के बाद जिलाधिकारी घटनास्थल पर आए और आश्वासन देकर चले गए। आश्वासन और पीपे की पुल की जगह अगर जनता को अस्थायी पुल मिल जाता तो जनता को संतोष मिल जाता। महिला की मौत के बाद जिलाधिकारी के सिवा वहां पर कोई भी नहीं गया, ना ही क्षेत्रीय विधायक गए, ना ही उन्नाव के सांसद। अभी यहाँ प्रधान जी से बात हुई तो इन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व इन्होंने गांव वालों ने ही अपने स्तर से पुल बनाया था। उधर इस ग्राम पंचायत के 2 मजरे हैं, तो अब इसमें HDWD के भी अधिकारी हैं। इसमें हम लोग पहले जो रिपोर्ट गई है उसमें जैसा इन्होंने बताया कि दोनों तरफ क्योंकि 4.5 किलोमीटर लगभग पक्का पुल बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में रिपोर्ट गई थी कि ये मानक अनुरूप नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने आज इसी विषय में निरीक्षण किया है और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक ही ग्राम पंचायत कुछ मजरे उधर है तो निश्चित रूप से इधर से उधर जरूर जाते होंगे लोग। इसकी पूरी रिपोर्ट मैं शासन को आज भेजूँगा और यहाँ की समस्या के निराकरण के लिए पूरा। सर, महिला की मौत हुई थी पुल से गिर गए, उसके लिए कोई आर्थिक सहायता?
नहीं, उसके संबंध में अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार होगी वो की जाएगी। वो परसों शाम को घर से निकली थी 5 बजे, अपनी बहू से बोल के निकले थे कि तुम खाना बनाओ, हम अभी खेत से आ रहे हैं। तो शाम को लेट हुई, हम भी आए घर, पूछा भाभी से कि भाभी जी मम्मी आई नहीं, बोली कि मम्मी तो खेत देखने गई नदी के उस पार। तो हमने यहाँ जानकारी की, पूरी रात घूमे, कोई पता नहीं चला। कुछ लोग गांव वाले इधर लैटरिन करने के लिए आए, उन लोगों ने देखा, तब घर पे हम लोगों को खबर दी, तब हम यहाँ आए देखे, हाँ हमारी माता जी इसी पुल से गिरकर मृत्यु हो गई। पक्का बनना चाहिए, अभी तक नहीं बना तो क्या कहेंगे सरकारों के लिए आप? अब हम क्या करें, जब वादा करके भाग जाते तो हम शिकायतें खूब की गई, जनप्रतिनिधि आते हैं वो वादा कर जाते हैं कि हाँ हमको की जिताओ फिर हम पुल बनवाए चले जाते हैं। नेता तो बन गया, विधायक तो बन गया, लेकिन पुल तो नहीं बन पाया, उनका गद्दी मिल गया और चाहे मरे चिंता करी सरकार के, सबका साथ सबका विकास, लेकिन युवा विकास आपके निगाह तरे है, आपको मौजूद हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे महिला की मौत हुई इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है विधायक, सांसद और हमारी सरकार। विधायक भी वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, विधायक तो यहाँ तक आया ही नहीं, कोई यहाँ नहीं झांकने आया। और इतना बड़ा हादसा हो गया, भैया आप बताएं आखिर इन समस्याओं को लेकर के, इन समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कितना दूरी बना रखे हैं? अरे हमारे गाँव का ये अस्थायी पुल बनना चाहिए, ये तो कह करके कल इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई तक देखने तक तो आया नहीं है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बताइए, कम से कम आना चाहिए था, पुल बनवाते या ना बनवाते, कम से कम उनके इतनी बड़ी घटना हो गई, कम से कम उनको तो लगता है कि हाँ कोई आया हमारे। तहसीलदार साहब ने कहा कि आप लोग एक किराए की नाव मंगा लीजिए और उसमें 2 आदमी आते हैं कानपुर के, उनके खाने की व्यवस्था कर देना, उनको पैसे दिला देना। कितने दिनों के लिए? अब ये दिन उन्होंने नहीं कहे, ये तहसीलदार साहब ने कहा, तहसीलदार साहब ने कहा कि व्यवस्था कर ली, तो व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी। जिम्मेदारी अगर ये करना है आजादी के 70 साल बना के आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, 70 साल के बाद में आप लोग अपने निजी खर्च से लकड़ी पुल बना के तैयार करते हैं, हमेशा बनाते आ रहे हैं, तो अधिकारी के ये कहना जुमलेबाजी हुई नहीं हुई? जुमलेबाजी सरासर है, कुल मिलाकर नेताओं ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, ठगा है यहाँ के लोगों को, इसलिए उनके अंदर आक्रोश देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको यहाँ पे आना चाहिए तो वो भी आज तक यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने नहीं आए, और आते भी हैं तो सिर्फ वोट मांगने के लिए चुनाव के समय में। इसलिए यहाँ के लोगों में आक्रोश का साफ साफ कहना है कि अगर पुल का निर्माण नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हम आपको जरा उस पुल का नजारा भी दिखाएंगे कि जिस पुल पर से लोग अपनी जान को जोखिम डाल करके निकलते हैं, गुजरते हैं, कि उस पुल की लंबाई क्या है और किस तरह से पानी में वो पुल जो है डूबा हुआ है, और पुल के जो बनाया जाता है उसको देखा आप देखेंगे कि उस पुल पर कितना गैप पाया जा रहा है, कितना ये आप देख सकते हैं चीज को कि कितना उस पुल में गैप है, कितनी लंबाई है और किस जर्जर हालात में ये पुल खड़ा किया जाता है। यहाँ पे लोग अपने पैसों से निजी खर्च से पुल का निर्माण करते हैं, लेकिन सरकार है कि इनके समस्याओं का निदान करने से भाग रही है, और सिर्फ ट्वीट करके डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि यहाँ पे पीपे वाला पुल बरसात के बाद में बनाया जाएगा, लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा वाकई में यहाँ पे पुल बनता है या फिर यहाँ की जनता को एक बार फिर ठगा हुआ महसूस करना पड़ेगा जो 70 साल से ठगे जा रहे हैं वोटों को लेकर के, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। भाई बेबसी की जुबानी जनता की कहानी, दिखाया भी सुनाया भी आपको, आपने देखा भी सुना भी कि वाकई में इस पुल को लेकर के कितनी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, जो लोग जान को जोखिम डाल करके इस पुल से आवागमन करते हैं। फिलहाल जब खबरें चैनलों पर चलना शुरू हुई और सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार के निर्देश पर जिला अधिकारी महोदय ने आकर के अभी कुछ समय पहले आके निरीक्षण किया है और यह आश्वासन दिया ग्रामीणों को, इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और यह तय होगा कि वहाँ वाकई में यहाँ पर पीपे वाला पुल बनेगा या वाकई में पक्का पुल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और ये पूरा मामला आता है उन्नाव जनपद थाना औराद क्षेत्र में, थाना औराद क्षेत्र में ही गांव आता है मिर्जापुर अधिगांव, जहां की ये पूरी घटना है। अभी आने वाला समय तय करेगा कि जनता की जुबानी बेबसी का जो कहानी है इस पर कितना परिवर्तन होता है, कितना सुधार होता है, कितना इस पर क्या करके सरकार संज्ञान लेती है, क्या वाकई में यहाँ की समस्या का निराकरण होगा या फिर आने वाले समय में भी लोगों को इन्हीं गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। SBS इंडिया TV के लिए नितिन के साथ भंग चंदेल, उन्नाव।